हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेके आए लेटेस्ट जॉब वैकेंसी जो कि जियो की तरफ से आ रही है। ऑल ओवर इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए। और इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने लोकेशन के हिसाब से इसमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए है। तो इसमें आप अपना लोकेशन चूज करने के लिए यहाँ से पेज, बहुत सारे पेज है जिस पेज पर आप ऊपर से नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको किसी एक लोकेशन के लिए फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आप फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख रहे होंगे जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है जो कि ऊपर पे फर्स्ट पेज पे है, जिसकी पोस्ट डेट आप देख रहे होंगे कि लेटेस्ट 14 अगस्त 2019 से आज की डेट की है और आज ही ये वैकेंसी आई है। तो इसमें कुछ लोकेशन लोकेशन जो आप देख रहे हैं वो ये जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के लिए है। आप अपने लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, जो पिछले पेज में था वहां से आप अपने लोकेशन चूज करके वहां से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से जॉब पा सकते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10+2 भी किए हो तो आप इंटरमीडिएट भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं जॉब नहीं किया, आप अगर फ्रेशर्स हो तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस 1-2 साल के तो और अच्छी बात है। तो स्किल जो मांगी गई है वो स्किल बेसिक नॉलेज आपके कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्मार्टफोन यूज, मतलब आपको स्मार्टफोन चलाने आना चाहिए। और वहाँ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंग्लिश रीडिंग राइटिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। कैश हैंडलिंग, आपको पैसे की लेन देन कैश में लेन करते समय, ये सब बेसिक चीज जो आपसे मांगी गई है आई थिंक ये सब लोगों के पास होती है। और इसमें अप्लाई कैसे करना है चलिए उसके बारे में मैं बता दूं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है लिंक, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इसमें आपको अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको कुछ अपना डिटेल सबमिट करना है। डिटेल सबमिट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल सबमिट करना है। इसमें अपना मेल डाल देना है। मेल डालने के बाद आपको एक पासवर्ड ले लेना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लेना है और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री और अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों आई थिंक इस जॉब से रिलेटेड आपको मैंने सब चीज सारी डिटेल्स बता दी होंगी। और अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, जो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप अपना कॉमेंट कर सकते हैं। और मैं जॉब लेटेस्ट वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए, जितने भी प्राइवेट कंपनी के लिए वैकेंसी आती है उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के बाद यहाँ पे बस आपको सबमिट कर देना है। और वहाँ से आपको अगर आपकी रिज्यूमे सिलेक्टेड होती है तो आपको कॉल आएगी और वहाँ पे जाके इंटरव्यू देके आपको सिलेक्शन होगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अप्लाई कर दिया इसमें और बड़ी आसानी से इसमें अप्लाई हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद अस, और मेरी प्रोफाइल इसमें अप्लाई हो चुकी है। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।